वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का बीए पार्ट थर्ड की पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की क्लास में स्वागत है। आप लोगों को मैं पिछली क्लास में प्लेटो के बारे में बताया था, प्लेटो के संबंध में उसके इंट्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के पश्चात जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य की अवधारणा दी है, उस आदर्श राज्य की अवधारणा का न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, ये तीन उसके प्रमुख सिद्धांत हैं। जो इसके अंदर भी जो उसकी ग्रंथ है रिपब्लिक, रिपब्लिक को में न्याय के ऊपर अत्यधिक बल दिया गया है, और जो न्याय है उसको रिपब्लिक नाम से दोहरा शीर्षक इसे प्राप्त है, जैसे रिपब्लिक या कंसर्निंग जस्टिस, रिपब्लिक या न्याय से संबंधित। इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का जो भवन है उसका मुख्य जो स्तंभ है वह प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय से क्या तात्पर्य है, या प्लेटो न्याय रिपब्लिक में न्याय को इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि प्राचीन समय में यूनान में और आधुनिक समय के न्याय में बहुत बड़ा अंतर है। अब वर्तमान समय में जैसे अगर हम तुलना करें कि न्याय से क्या अभिप्राय है, तो वर्तमान समय में जो न्याय को एक वैधानिक या बाहरी वस्तु बना दिया है कि न्याय न्यायाधीश के द्वारा न्यायालय में सबूत और गवाह के आधार पर दिया गया फैसला न्याय है, ये आधुनिक परिभाषा होगी। लेकिन प्लेटो जो है वह आदर्श राज्य में न्याय को व्यक्ति का आंतरिक गुण मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वास्तविकता में वो संभव है या नहीं है, इससे प्लेटो का कोई वो मानना नहीं है, क्योंकि प्लेटो जो है वो तत्कालीन समय में जो एथेंस की यूनान में जो राजनीति में स्वार्थ परायणता आ गई थी, राजनीति में जो लोगों के द्वारा गलत तरीके से कार्य किए जा रहे थे, या राजनीति के आधार पर ही सुकरात को विष का पीना पड़ा था, इसलिए ऐसी समस्याएं राजनीति से प्लेटो दूर करना चाहता था। और ये दूर कब संभव थी? न्याय की अवधारणा के कारण। तो प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय में अंतर है। आधुनिक न्याय न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा दिया गया फैसला, प्लेटो का न्याय व्यक्ति का आंतरिक गुण। और प्लेटो जो राज्य को मानता है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट स्वरूप है, कि राज्य कोई नदियों से, घाटियों से या जंगलों से नहीं बनता है, वह व्यक्तियों से बनता है। इसलिए राज्य का जो उसका जो ऑर्गेनिक थ्योरी वह प्रदान करता है, इसलिए और इस राज्य में, प्लेटो के राज्य में तीन वर्ग विद्यमान हैं, तीनों में विवेक के आधार पर शासक वर्ग है, साहस के आधार पर सैनिक वर्ग है, और तृष्णा के आधार पर उत्पादक वर्ग है। प्लेटो इन तीनों में ही न्याय की स्थापना करना चाहता है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, कि प्लेटो का मानना है कि न्याय व्यक्ति का आंतरिक गुण है, लेकिन आंतरिक गुण ये हमें दिखाई कैसे देगा? इसलिए वह मानता है कि न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय व्यक्ति के अंदर विवेक, साहस और तृष्णा तीनों का उचित समन्वय ही व्यक्तिगत न्याय है। लेकिन इन तीनों का समन्वय उचित मात्रा में या व्यक्ति न्याय का पालन कर रहा है, ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देगा। दूसरा वह सामाजिक न्याय बताता है। तो सामाजिक न्याय अर्थात राज्य में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग तीनों ही अपना अपना निर्धारित कार्य अपने बिना किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए कर रहे हों, वह सामाजिक न्याय है। इसलिए प्लेटो क्या मानता है न्याय के संदर्भ में, कि प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य के प्रत्येक वर्ग के द्वारा उसे निर्धारित जो कार्य है उसे करना है, बिना किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए। तो इसमें वह प्लेटो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत न्याय की अवधारणा में देता है। प्लेटो की इस न्याय की अवधारणा के अध्ययन के आधार पर प्लेटो को एक फासीवादी
दार्शनिक या वह एक निरंकुश तंत्र टोटलिटेरियन स्टेट का समर्थक है, इस मामले में उसकी आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि उसने न्याय के आधार पर व्यक्ति को राज्य पर बलिदान कर दिया है। न्याय को, न्याय की स्थापना के लिए वह किसी प्रकार का कानूनी जो व्यवस्था नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर दिया तो फिर उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था हो? इस मामले में प्लेटो जो है वह मौन रहता है। इसलिए प्लेटो की शब्द, लेकिन प्लेटो ने अपनी न्याय की अवधारणा देने से पहले तत्कालीन समय में एथेंस में या यूनान में जो न्याय की अवधारणा प्रचलित थी उसका भी उसने वर्णन किया है कि जैसे कि तत्कालीन समय में यूनान में जो न्याय की अवधारणा थी, जैसे एक नंबर पे कि परंपरागत अवधारणा, इस परंपरागत अवधारणा में पॉलीमेकर्स जो था, सिफालस और पॉलीमेकर्स, ये दोनों इसके अवधारणा के प्रतिपादक थे। जो यूनानी दार्शनिक सिफालस का मानना था कि परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुका देना ही न्याय है। दूसरी तरफ सिफालस का पुत्र पॉलीमेकर्स, इसने थोड़ा और आगे कहा कि मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव रखना ही न्याय है। प्लेटो इन दोनों ही जो विचारक थे, इनकी अवधारणा, परंपरागत अवधारणा का खंडन करता है। उसका मानना है कि प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना या अपना ऋण चुका देना न्याय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मित्र के प्रति मित्रता, शत्रु के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखना न्याय, हम कैसे अनुमान लगाएं कि कौन व्यक्ति मित्र है कौन शत्रु है? अनेक बार देखा गया है कि जिसे हम शत्रु समझते हैं वह हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, और जिसे मित्र समझते हैं वह इतना हमें धोखा दे देता है, कपट कर देता है कि वह शत्रु से भी बुरा निकलता है। इसलिए प्लेटो जो है वह परंपरागत न्याय की अवधारणा का खंडन करता है। उसका मानना है कि जो सिफालस और पॉलीमेकर्स हैं, ये दोनों ही न्याय की जो अवधारणा है, परंपरागत अवधारणा है, उसमें प्लेटो अपनी न्याय उसमें नहीं देख पाता है। दूसरा जो है क्रांतिकारी अवधारणा, जो क्रांतिकारी अवधारणा का या उग्रवादी अवधारणा है, उसका प्रतिपादक जो थ्रेसीमेकस, कि थ्रेसीमेकस जैसे विचारक थे, इनका मानना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। क्योंकि इन ये जो लोग थे थ्रेसीमेकस जैसे लोग, सोफिस्ट विचारक जो कि राजा से धन लेकर उसके पक्ष में ही प्रचार करते थे, इसलिए इनका मानना था कि जो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, माइट इज़ राइट, ये इन लोगों का मानना था। इस संबंध में प्लेटो ने इसका भी खंडन किया है कि कभी भी शक्तिशाली का हित न्याय नहीं है। न्याय क्या है? सभी लोगों का हित, या राजा का हित ही न्याय नहीं है, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों के हित में अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि राजा भी प्रजा के हित में है, इसलिए प्रजा के हित में ही राजा का हित है, ऐसा प्लेटो का मानना है। तीसरा जो वह देता है न्याय का, जो है व्यवहारिक सिद्धांत, कि जिसके प्रतिपादक के रूप में हम मानते हैं कि न्याय भय का शिशु। ग्लाउकन ने ये अवधारणा प्रस्तुत की है। ग्लाउकन का मानना है कि न्याय भय का शिशु है। व्यक्ति जो है वह निर्बल व्यक्तियों का अस्त्र न्याय है। ग्लाउकन अपने इसमें व्यवहारिक जो न्याय की अवधारणा, इसके अंदर बताना चाह रहा है कि कुछ निर्बल व्यक्तियों के द्वारा न्याय के नाम पर आदेशों की पालना की जाती है, जिस कारण से कि न्याय भय का शिशु उसने माना है। लेकिन प्लेटो जो है वह इसका खंडन करता है। उसका मानना है कि ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, न्याय बाहरी नहीं है। न्याय क्या है? व्यक्ति का आंतरिक गुण है। न्याय के द्वारा किसी का अहित करना, ये सोचना ही गलत है। इसलिए प्लेटो जो है वह मानकर चलता है अपने न्याय की अवधारणा में कि एक आदर्श राज्य के लिए न्याय का होना आवश्यक है। और ये न्याय कैसे राज्य में स्थापित होगी? कि न्याय की स्थापना होगी जो राज्य का प्रत्येक वर्ग जो है वह अपने अंतर्मन से आंतरिक
भावना से सभी के हित के लिए सोचे। इसलिए एक आदर्श राज्य क्या है, सबसे आदर्श है वो, तो उसमें कोई व्यक्ति किसी भले के किसी की बुराई के लिए सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे राज्य की अवधारणा जो कि सभी के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए प्लेटो को जो हम मानकर चलते हैं कि प्लेटो अपने न्याय की अवधारणा में वह एक फासीवादी या टोटलिटेरियन स्टेट का समर्थन करता है, इस संबंध में उसके तत्कालीन परिस्थितियों में यूनान की, एथेंस की, उस समय की प्रचलित न्याय की अवधारणाओं के खंडन के आधार पर वह जब अपने विचार देता है, और रिपब्लिक जो है उसका ग्रंथ, उसका दोहरा शीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है, इसलिए उसके न्याय सिद्धांत की उपयोगिता है। इसकी आलोचना में अगर आलोचक कह दें कि यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाती है, व्यक्ति केवल अपने एक ही भाग का विकास कर पाता है, या वह राज्य के ऊपर राज्य को अधिक प्रधानता देता है, लेकिन इसके बावजूद न्याय व्यक्ति का आंतरिक गुण है, इसे राज्य के अंदर स्थापित किया जा सकता है, और आदर्श राज्य के लिए न्याय का होना बहुत ही आवश्यक है। अब स्टूडेंट्स, हम प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय का जो मुख्य आधार था, न्याय जो है वह है, इसके दो स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है, जो अपने नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम शिक्षा और साम्यवाद पर बातचीत करेंगे। तब तक आप जो व्हाट्सएप पे जो नोट्स शेयर किए हैं, एक बार आप उन्हें भी रिवाइज कर लें। ओके, थैंक्स।